देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। लॉकडाउन के दौरान भिवंडी के नारपुली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुए दो बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दोनों ही मामले में पुलिस ने तीन आरोपी को झारखंड व धुलिया से गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 16,34,000 का चोरी का माल बरामद किया है। डीसीपी राजकुमार शिंदे ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले जाबाज पुलिस कर्मियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी राजकुमार शिंदे ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 9 जुलाई 2020 को स्थानीय ओलवी गांव के सागर कॉम्प्लेक्स में स्थित ब्लू लाइन लॉजिस्टिक एंड LLP कंपनी के वेयर हाउस में लोहे का पतरा काटकर अज्ञात चोरों ने घुसकर मैक्रोमैक्स कंपनी का लैपटॉप, हेडफोन, पावर बैंक, बैटरी व टेप चुराकर फरार हो गए थे, जिसकी कीमत 11,95,184 रुपए थी। जिसके बाद नारपोली पुलिस ने अज्ञात चोरों पर CR नंबर 353/20 में IPC की धारा 454, 457 व 380 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दिया था। DCP शिंदे ने बताया कि इस दरमियान थाने नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक व्यक्ति के पास से 6 लैपटॉप बरामद हुआ। पुलिस सह आयुक्त नितिन कौशडिगर, नारपोली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI मालोजी शिंदे के मार्गदर्शन में जांच पदक ने जब आरोपी को पकड़कर कड़ी पूछताछ की तो उक्त चोरी की घटना से पर्दा उठ गया। DCP ने बताया कि आरोपी का नाम आलम मिंटू शेख था, जो झारखंड का रहने वाला है, जिस पर मुंबई व थाने में कई बड़ी चोरी का मामला भी दर्ज है, जिसके पास से पुलिस ने 8,34,000 का चोरी का माल भी बरामद किया है। DCP ने बताया कि इस चोरी की घटना को तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था और एक अन्य की तलाश जारी है। प्रेमी के साथ लड़की ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। भिवंडी के कामतगढ़ इलाके में वड़ाल देवी मंगल भवन के पास स्थित वास्तु पूजा अपार्टमेंट में 22 जुलाई को 13,21,000 रुपए कीमत के गहने व कैश की चोरी हो गई थी। घर की मालकिन सुवर्णा सोनगिरकर 46 वर्ष की मेडिकल की दुकान है, जिसकी शिकायत पर नारपोली पुलिस ने अज्ञात चोरों पर CR नंबर 371 में IPC की धारा 457, 380 के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दिया था। पर पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये भी था कि लॉकडाउन में जब घर में ही है तो इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे। इसी बीच मामले की जांच कर रहे PSI राहुल वरकडे व उनकी टीम ने इस मामले में धूले में रहने वाले प्रतीक लाले 21 वर्ष व हेमंत सैदाने 21 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके पास से 8,96,000 रुपए कीमत के गहने व 55 लाख कैश बरामद कर लिया है। DCP शिंदे ने बताया कि जांच में पता चला कि उक्त चोरी शिकायतकर्ता की लड़की ने करवाई है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की लड़की धूले में रहने वाले प्रतीक से शादी करना चाहती थी। दोनों को कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने प्रेमी को देकर उसने अपने ही घर में चोरी करवाया था। उन्होंने बताया कि इससे 5 माह पहले भी दोनों ने अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दिनों आरोपियों को 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। पुलिस स्टेशन एरिया में वड़पाड़ा ओली बोल के गोडाउन एरिया है। लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे गोडाउन बंद थे, इसी का फायदा लेके शातिर गुनेगारों ने गोडाउन में चोरी करके वहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक साहित्य चोरी किया और वो साहित्य झारखंड, UP, नेपाल यहाँ वे बेचने वाले थे। लेकिन नारपोली पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन टीम को जैसे जैसे क्ल्यू मिल गया वैसे आज तक उसने 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं और इतना मुद्देमाल चोरी हुआ था वो तो पूरा हस्तगत किया गया है। इसमें और भी 2-3 आरोपी होने की संभावना है। सर क्या लगता है कितने का मुद्देमाल होएगा सर, की कीमत क्या होगी लगभग? मुद्देमाल फिरियाद के अनुसार 11,95,000 का था, लेकिन अब तक 8,34,000 रुपये का मुद्देमाल हस्तगत किया गया है, जिसमें मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, हेडफोन्स, पावर बैंक, बैटरी, टैब, इनका समावेश है। सर सिर्फ चोरी थी या तस्करी भी करने वाला था? इसमें अभी तक किए गए इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि ये चोरी करके
झारखंड यूपी और बॉर्डर नेपाल बॉर्डर के बाहर भी बेचने वाले थे, यही अभी तक सामने आया। ऐसे पकड़े गए आरोपी का नाम क्या है और क्या कलम लगा, कितने दिन की पुलिस हिरासत मिली है? पकड़े गए आरोपी का नाम आलम मंटू शेख, उम्र 42, अभी रहने वो चिंचोटी वसई में रहता है, लेकिन उसका नेटिव प्लेस कियारपुर पंचायत राज्य झारखंड है और उसके ऊपर आईपीसी 454, 457, 380 के तहत गुना दाखिल किया गया है। इसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके ऊपर 3 गुने दाखिल है, जिसमें मुंबई में कुछ कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल है, नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, महात्मा पुलिस चौक पुलिस स्टेशन में घरफोड़ी के गुने दाखिल है। ठीक है सर, दूसरा के साथ में मिलकर जो घर लूटा है, मतलब प्रेमी के साथ में रहने के लिए क्या कहानी है पूरी? लॉकडाउन के दरमियान लोग कोविड बीमारी के कारण अपने अपने घरों में रहते थे, लेकिन 22 जुलाई को तारपुरी पुलिस स्टेशन के हाथ में कामतगर एरिया में एक बड़ी घरफोड़ी हुई, जिसमें लगभग 13,21,000 का सोने चांदी के गहने और कैश चोरी हुआ था। ऐसी खबर मिली, नारपोली पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम वहां घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर कोई क्ल्यू नहीं था और घर के तो सभी मेंबर्स लॉकडाउन के दरमियान घर में ही थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया तो समझ में आया कि घर में से ही कोई इसमें शामिल है। तो पूछताछ के बाद दोनों का एक्चुअल मोडस क्या है वो सामने आया, तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उनकी बेटी ही अपने दोस्त गुलिया का जो दोस्त है उसके साथ मिलकर ये घर में चोरी की थी, डुप्लीकेट चाबी से लैच खोला था और घर में चोरी का सीन बनाया था, जिसमें पूरे कपाट विपाट खोल के अंदर के कपड़े बाकी चीज़ें फेंकी गई थी। यहाँ से अपने दोस्त के साथ ये चोरी करके वो दोस्त अपने घर धूले भागा था, तो अपने पुलिस टीम ने धूले में जाकर जैसे कि वैसे जो गहने थे और कैश थी वो तो पूरी बरामद की। सर संबंध क्या था, दोस्त था कि प्रेमी था? हमने उनके साथ पूछताछ की तो वो आगे जाके शादी करने वाले थे और अपने फ्यूचर लाइफ के लिए उन्होंने ये चोरी की थी, ये सामने आया। सर इससे पहले भी वो चोरी के अंजाम दी थी इसी घर में इसी दोस्त के साथ इन्होंने इसके पहले भी चोरी की थी, ये पुलिस तपास के दरमियान कबूल किया। सर उनका लड़के का बैकग्राउंड क्या है और ये क्या अपने घर के अलावा और भी कहीं चोरी की थी? लड़का ड्राइवर है, आईटीआई वडील नाही, सावत्र लड़का बेरोजगार था, वो अपने दूसरे दोस्त के साथ धूले में काम कर रहा था, लड़की के रिश्तेदार धूले में होने के कारण वो वहाँ पर मिलने गई थी, वहाँ उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन बाद में वो उसे मिलने के लिए कामत घर आता था। फैमिली के बैकग्राउंड क्या है सर, माँ बाप क्या करते थे, उसने चोरी का अंजाम जिस घर में चोरी हुई थी।